नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कैसे शेयर के बारे में, जो कि मैंने बार बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि इस स्टॉक पे आपको क्या करना चाहिए, निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से जो है ये स्टॉक बहुत आपके आपको जो है मौका दे चुका है ये स्टॉक। अब आने वाले दिनों में अगर आपको यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो आपको इस स्टॉक पे जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब ये स्टॉक जो है बहुत बार आपको जो है चांस दे चुका है, आपको आने वाले दिन में भी ये चांस देगा, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको नज़र गड़ाए रखनी है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप नज़र गड़ा के नहीं रखोगे तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अफसोस होने वाला है, क्योंकि इस स्टॉक पे जो है मैंने बार बार बोल चुका हूँ, मैंने 2 मंथ पहले भी जो है वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। तब ये स्टॉक का प्राइस हाई पे चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था, और हमारा जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है क्लाइंट का, उन लोगों को हमने पहले ही बता दिया था कि आपको इस स्टॉक को खरीद लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक के, तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये स्टॉक जो है यहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, 5 डेज का अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट, तो यहाँ पे आपको अप ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल, ये स्टॉक जो है करीब करीब 3.5 रुपीज़ जो है हो चुका था, अब ये यहाँ पे करीब करीब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 रुपीज़ तक हो चुका है। या बिल्कुल, अब यहाँ पे 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको देख लो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, 20% का डाउन साइड आपको देखने को मिल चुका था। इस 20% के डाउनफॉल में आपको क्या करना था, इस 20% के डाउनफॉल में आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको जो है इन्वेस्ट एक मौका मिला था, वो इन्वेस्ट का मौका अगर आपने गवा दिया है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिन में और मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, नजरें गड़ा के रखनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख लो 2.82 रुपीज का स्टॉक जो है करीब करीब यहाँ पे 4.5 रुपीज के अब जा चुका था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है करीब करीब पहले भी जो है ये स्टॉक 30 रुपीज़ के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ चुका था। ये बिल्कुल, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में यहाँ पे अभी जो चल रहा है ना, 1 साल का मैं अगर आपको यहाँ पे डेटा दिखा दूँ, तो ये स्टॉक जो है करीब करीब 2.82 का लो दिखा चुका था, यहाँ से ये फ्लैट लाइन पर चल रहा था, और यहाँ पर जो है हलचल जो है आपको दिखना शुरू हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे 2.84 से लेके यानी कि 13 नवंबर से लेके यहाँ पे अभी आप देखोगे तो बहुत सारी हलचल हो चुकी है, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है 50% के अराउंड अराउंड। अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक जो है राधे डेवलपर्स करके जो ये स्टॉक है, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, वो मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप हमारी चैनल पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक के बारे में मैंने बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ तक वो मैंने बोल दिया था कि हर महीने 1000 लगाओ, 10 साल तक ये 4 का शेयर 400 जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये 4 रुपीज़ का स्टॉक था, तब जाके मैंने बता दिया था आपको। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक के बारे में भी बताया है, बहुत सारे स्टॉक जो है यहाँ पे चल चुके हैं और चल रहे भी है। यहाँ पे आप देख लो 2 मंथ्स अगो मैंने बताया था राधे डेवलपर्स के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी जो है यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बस जो है यहाँ पे कंपनी में क्या चल रहा है उसके मुताबिक की जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस स्टॉक में क्यों बाइंग करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे जो है आपको ये वीडियो प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो हमारी चैनल पे जाके, लेकिन मैं आपको जो है डेट दिखा देता हूँ कौन सी डेट पे जो है मैंने ये वीडियो डाला था। या बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मंथ्स अगो का, यहाँ देख लो 3 दिसंबर को जो है मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया था। अगर हम बात करें अगर 3 दिसंबर को कौन सा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं 3 दिसंबर को करीब करीब ये स्टॉक कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख लो ये स्टॉक करीब करीब 4 रुपीज़ के आसपास जो है ये चल रहा था। अब यहाँ से तब का देख लो, तब भी आपको जो है 6 साढ़े 5 6% का रिटर्न जो अभी भी आपको मिल रहा है, और यहाँ पे जो गिरावट हुई ना उसमें आपको एक चांस मिला था कि आप एंट्री कर सको या फिर अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट कर सको। अब हालांकि मैंने 1000 1000 रुपये ही बोला है, क्योंकि आप जितना बेयर कर सको उतना ही आपको लगाना है इस स्टॉक में। अब यहाँ पे बात करें राधे डेवलपर्स की, यहाँ पे आप देख सकते हो राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड करके जो ये स्टॉक है उसका अगर यहाँ पे अगर रिपोर्ट टू एक्सचेंज जो यहाँ पे आप देख लोगे ना, इनसाइडर ट्रेडिंग जो हो रही है यहाँ पे आप देख लो, प्रोमोटर्स जो है ना खुद यहाँ पे देख लो इक्विजिशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्राइस देखो, हालांकि जो प्राइस पे जो ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस पर जो है ये लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो 4.6 पे बाय किया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ राधे डेवलपर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक का हाई देख लो, यहाँ पे 9.50 दिखाई दे रहा है जो कि पहले का है। अगर यहाँ पे आप पिछले 1 साल का डेटा देख लो तो ये हाईएस्ट जो है ना लेवल ये 4.67, यहाँ पे आप देख लो 4.64 जो है दिखाई दे रहा है वो हाईएस्ट लेवल है, और यहाँ पे आप देख लो 4.6 पे जो है कंपनी के प्रोमोटर्स ने जो है यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.10%, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा माल 5 लैक्स जो है यहाँ पे क्वांटिटी उठाई जा रही है। कहाँ से उठाई जा रही है, मार्केट से उठाई जा रही है। तो मार्केट से माल उठाया जा रहा है कौन से स्टॉक पे, राधे डेवलपर्स में। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिन में जो है पैसा बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये वीडियो जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वापस से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आप प्लीज मत गवाना, क्योंकि ये स्टॉक जो आने वाले दिन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है देता हुआ नजर आ जाएगा। अब हालांकि आज भी देख लो तो 4.27 पे ये ट्रेड हो रहा है, यहाँ की 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। थोड़ा बहुत आपको देखो मौका भी मिल रहा है एंटर होने का, कि आप जो है यहाँ पे एक
0.1 जो है यहाँ पे पैसे का डिफरेंस में अगर आप एंट्री कर सको तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जो वीडियो जल्द से जल्द जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आपको जो है यहाँ पे आप बाइंग कर सको। और बाकी बिल्कुल कोई कंपनी में कुछ अभी तक मेरे को कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। और आगे का जो चीज़ होता है ना, वो हमें देख के, फ्यूचर का देख के इन्वेस्ट करना होता है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड पे अभी तक के जो है रिटर्न, अभी तक के परसेंटेज देख के आपको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से आपको कंपनी का फ्यूचर देख के कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, या बिल्कुल अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर बेस पर देखना चाहिए। हालांकि अगर आप यहाँ पे देख लो तो पेटीएम का अगर आप शेयर देखोगे तो अभी क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे पेटीएम तो बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो कि नहीं पेटीएम जो है अभी नहीं ले सकते क्योंकि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आप अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखो तो फिर लेने लगो पेटीएम। क्यों कोई पेटीएम नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो फ्यूचर देख रहे हैं कि कंपनी का जो है आरबीआई के साथ जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई अभी माल इतना उठा नहीं रहा है और ये डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, कंपनी का क्या देखना होता है, फ्यूचर देखना होता है। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसको पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या नहीं चल रहा है, किसको पता होता है? प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स को। अब खुद प्रोमोटर एंड डायरेक्टर जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, वो भी छोटा मोटा नहीं अमाउंट, बड़ा बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पे डाल रहे हैं। और वो भी जो है एक बार नहीं डाल के रख दिया है, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार। ये बिल्कुल, अब यहाँ पे कोई भी स्टॉक में प्रोमोटर जो इतना एक्टिवली बाय कर रहा है तो उनको पता होता है कि आने वाले दिन में यही स्टॉक जो है हमें बहुत अच्छा तगड़ा पैसा दे के जाएगा। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिन में इस स्टॉक पे आपको पैसा बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको क्या करना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन है उधर जाओ, आप मुझे बताओ आपको कौन से स्टॉक के बारे में जो है प्रॉब्लम हो रही है। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है जल्द से जल्द जो है वो गाइड कर सके।